जो है चिकन वाइट मुगलाई अपने अंदाज से बना रहे हैं। मेरे साथ असिस्टेंट शेफ हैं सिदरा और इसके अंदर हमें चाहिए होगी 1 kg चिकन, 8-10 मिर्चें। सही है, ये तेज़ वाली नहीं है, आप उसमें तेज़ वाली लें तो 8-10 काफ़ी होंगी, और 4 से 5 दरमियानी प्याज, हमें ये लाल साबित नहीं काली मिर्च और ज़ीरा, लाल मिर्चें और ये तेजपात, तेज़पात ये और थोड़ा सा था हमारे ये पास, थोड़ा आप सा इसमें और और ले डालेगा, लीजिए। एक पत्ता होना चाहिए। हमारे पास सही ये है, बचा तो हमने ये ले लिया फिलहाल। और इसमें धनिया पाउडर, धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून और ये जीरा पाउडर, ज़ीरा पाउडर जो है वो 1 टीस्पून। ठीक है, दही हमें चाहिए होगी तकरीबन इसमें 1 पाव अभी कम है, इसमें हम इस और डालेंगे 2 कप, इसके मेजरिंग कप के हिसाब से हमें 1 कप है तो हमें 2 कप डालने हैं। 2 कप चाहिए। सही है, क्रीम भी और हमें, क्रीम जो है वो हमें पूरा एक जो है ये वाला जो पैकेट होता है ये पूरा एक इसमें चाहिए होगा। नमक नमक डालेंगे हसबे जायका और ऑयल और ऑयल। आपके अपने हिसाब से। ठीक है, अब बाकी की रेसिपी हमें खुद भी नहीं आती और एक पतीला चाहिए एक होगा। पतीला चाहिए होगा, वो भी हम बताते हैं कि आगे कैसे करना है। ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी वरना फिर जो है ना वो वाइट कढ़ाई ब्राउन हो जाएगा, वाइट चिकन जो है वो ब्राउन चिकन हो जाएगा। इसके बाद हम इसको करने के बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे, इसमें 8 से 10 जो है हम मिर्चें डालेंगे हरी मिर्च और दही के साथ जो है हम इसको ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना देंगे। अच्छा जी, देखें इसमें हमने सौते कर ली, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करिए। अच्छा, इसमें जो है कि हम ग्राइंड करेंगे, प्याज को अलग कर लेंगे तेल से। ठीक है, और उसमें फिर हम इसको इसके अंदर जो दही है वो हम डालेंगे और उसके साथ बादाम और हम पीनट भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी हम 8 से 10 बादाम और पीनट डाल दें तो उससे टेस्ट जो है बड़ा अच्छा एनहेंस हो जाता है। ठीक है, और उसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें साथ तो उसका हम पेस्ट बना के भी हम रख लेंगे। उससे जो प्याज से ऑयल निकाला था उसी के अंदर हम इसको थोड़ा सा स्टिर करेंगे और ये हरा धनिया का पाउडर जो 1.5 चम्मच हमने डाला था वो इसमें करके, और ये ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून और साथ थोड़ी सी काली मिर्च साबित साबित काली मिर्च। अच्छा, इसमें हम जो है 1/2 चमचा पिसा हुआ गरम मसाला और वो भी यूज़ कर सकते हैं, काली मिर्च किसी भी काली मिर्च एंड में डालेंगे, एंड में वो एंड में डालेंगे उससे जो है जायका जो है फ्लेवर एनहांस होगा। इसको वाइट करना पहले, चिकन जो हल्दी से रेडी अभी हमने इसका मसाला बनाना है और इसको कलर चेंज करना है, अभी हमने इसको खूब भूनना है। जब मसाला इसका बन जाएगा तो फिर हम इसके अंदर जो हमने पेस्ट बनाया है फिर हम उसके अंदर वो डालेंगे। इसका मसाला तैयार हो गया, इसमें बड़ी ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस आ रही है। सही है, और अब जो है हमारा पेस्ट भी रेडी है, ये हमारा पेस्ट भी रेडी है जिसके अंदर हमने प्याज पीनट्स डालें, इसकी जगह आप आलमंड भी यूज़ कर सकते हैं, बट कोई भी एक चीज़ डाल लें तो उससे बहुत अच्छा जायका आता है। और इसके अंदर हमने डाला है हरी मिर्चें और दही। सही है, अब इसका हम पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हम उसके साथ पका लेंगे कि जब तक दही का पानी ना छूट जाए, दही थोड़ी सी और भी डालेंगे अभी। अभी हम दही थोड़ी और डालेंगे, 2 कप का हिसाब है तो 1.5 कप डालिए अभी दही इसमें।
डाला था तो ऑयल और मसाला जो है अलग हो गया, ये पक गई है। हाँ, सही तरीके से पक गई है। और हमने इसमें सॉल्ट भी डाल दिया था हल्दी जायका। ठीक है, अब हम जो है इसमें क्रीम डालेंगे, ये पूरा पैकेट क्रीम का। ये थिक क्रीम होगी, विप क्रीम होगी, थिक क्रीम होगी। ठीक है, इसमें अब हम ये डाल और फिर हम इसको पकाएंगे। ठीक है, चिकन सारी तैयार हो गई है। देखें हल्की आँच पे हमने इस पर रखा हुआ है। और बस इसमें आखिरी चीज़ बाकी है, वो है इसमें तड़का, जो हम जीरे से और लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च का लगाएंगे, तो वो जो है वो असर है। ये थोड़ा सा हटके है, आप लोग सोच रहे होंगे कि तड़का क्यों लग रहा है चिकन में, बट इससे जो है बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आता है। गोल वाली भी ले सकते हैं, गोल वाली हो, जंबी वाली हो, बस साबुत लाल मिर्च, वटा इसका कोई गर्ज नहीं।